ये सब्जी इतना रिच बनकर रेडी हुई है कि ना ही मैंने इसमें कोई लहसुन, ना ही टमाटर, ना ही प्याज और ना ही मैंने इसमें कोई काजू पेस्ट, ना ही क्रीम मैंने यूज़ किया है। तब पर देखिए सब्जी कितना रिच बनकर रेडी हुई है। चलिए शुरू करते हैं। और मैं यहाँ पर ले रही हूँ 250 ग्राम पनीर, उसे मैंने छोटे पीस में काट लिया है। एक लेंगे हम बॉल, उसमें डाल देंगे हम 2 चम्मच तेल, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधे छोटे चम्मच जीरा पाउडर और थोड़ा सा यहाँ पर हम डालेंगे गोलकी पाउडर यानी काली मिर्च। आप मैं इसमें डालूंगी अच्छा कलर के लिए 1 बड़े चम्मच से कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार यहाँ पर नमक डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पर 1/2 छोटी चम्मच से नमक डाल दिया है। अब हम सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। अब इसमें पनीर डालेंगे और पनीर डालकर इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम मैरिनेट के लिए 10 मिनट के लिए इसे अलग रख देंगे। तो इसे हम चम्मच से नहीं करेंगे क्योंकि पनीर यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो यहाँ पर टूटने के ज़्यादा चांस है। तब मैं यहाँ पर इस तरह से स्पैचुला से इसे मिक्स कर रही हूँ, यानी कि मैं मिक्स कर रही हूँ। देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। उसका बाद एक बॉल में मैं लूँगी 1 कप दही। तो यहाँ पर दही है फ्रेंड्स, ताज़ी वाली दही ली। अब ज़्यादा खट्टी दही इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो सब्ज़ी में ज़्यादा खटास आ जाएगी। तो बस मैंने यहाँ पर किया है मिक्स। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच से मैंने यहाँ पर डाल दिया है कश्मीरी लाल मिर्च, आधे छोटी चम्मच जीरा पाउडर, गोलकी पाउडर यानी कि काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। अब हम डालेंगे इसमें 2 चम्मच से मैं यहाँ पर रोस्ट बेसन, यानी कि बेसन को मैंने पहले तवा में भून लिया था बिना तेल के बिना घी के। तो आप इसमें डाल दें और सभी को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ध्यान दें फ्रेंड्स, यहाँ पर कच्चे बेसन आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, आप यहाँ पर रोस्ट करके बेसन यूज़ करिएगा। तो देखिए यहाँ पर मसाले रेडी हो गई है। अब मैं लूँगी 1 पैन, उसमें डालूंगी हम थोड़ा सा तेल, तेल जैसे गर्म हो जाएगा उसमें हम पनीर को डाल देंगे फ्राई करने के लिए और हम धीमी आँच में हल्का हल्का पनीर को फ्राई करेंगे। तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, यहाँ पर ज़्यादा आपको पनीर को फ्राई नहीं करना है, न ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। तो बस मैंने इतना ही यहाँ पर रखा है, इसे भी हम निकाल देंगे। तो एक बार मेरे तरीके से बना कर देखिएगा, दही वाली पनीर की सब्ज़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो बस मैंने यहाँ पर दूसरी वाली भी यहाँ पर डाल दिया है, वो भी हो चुकी है। तो पनीर फ्राई यहाँ पर हो चुकी है। अब चलते हैं हम ग्रेवी बनाने की तैयारी में। तो 1 पैन में यहाँ पर डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच से तेल। अब मैं इसमें डाल दूँगी जीरा। अब इसमें जाएगा 1 हरी इलायची, साथ में यहाँ डालूँगी 1 छोटे पीस से दालचीनी। अब हम सभी को अच्छी तरह से भून लेंगे। 1 इंच अदरक ग्रेट किया हुआ, साथ ही मैं यहाँ डालूँगी हरी मिर्च 4 पीस। अब इसे हम हल्का सा भून लेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे नहीं तो सब्ज़ी में ऐसे टेस्ट नहीं आएंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ दही वाली पेस्ट जो मैंने घोल बनाकर रखी हुई थी। तो अब यहाँ पर आँच को लो टू मीडियम कर ले और इसे बराबर आप चलाते रहें। लगातार चलाने से क्या होगा फ्रेंड्स कि दही यहाँ पर बिल्कुल नहीं फटेगी। आप छोटी छोटी बातों का ध्यान दीजिएगा तो दही यहाँ पर बिल्कुल नहीं फटने वाली है। अगर मसाले आपके जल रहे थे तो थोड़े से आप यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी दे सकते थे। तो मैंने यहाँ पर ग्रेवी के लिए पानी गर्म करने के लिए दूसरी तरफ चढ़ा दिया है। तो देखिए यहाँ पर मसाले लगभग अच्छी तरह से भुन चुकी है, तेल भी ऊपर आ चुकी है। तो बस इसे हम अच्छी तरह से कुछ देरी के लिए इसे ढक के पकाएंगे, वो भी लो टू मीडियम आंच में और बीच बीच में हम चलाते रहेंगे ताकि मसाले जले नहीं कढ़ाई में, नहीं तो अच्छा टेस्ट नहीं आएंगे। तो मसाले यहाँ पर अच्छी तरह से भून चुकी है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 10 से 12 मिनट के लिए धीमी आंच में पका लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए पानी। तो मैं यहाँ पर 1 कप पानी का यूज कर रही हूँ, आप यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान दें फ्रेंड्स कि यहाँ पर ग्रेवी में आपको गर्म पानी ही यूज करना है, कच्चा पानी या ठंडा पानी यहाँ पर बिल्कुल भी यूज नहीं करें। उसके बाद मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है इसे बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पर 2 मिनट के लिए इसे मैंने पकाया है, देखिए अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। अब मैं इसमें फ्राई की हुई पनीर को ऐड करूँगी। तो ये पनीर फ्राई की हुई इतना टेस्टी लगता है फ्रेंड्स कि आप ऐसे ही खाना पसंद करेंगे। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया, इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए और ग्रेवी में पनीर को पका लेंगे। तो लगभग यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी कसूरी मेथी, थोड़ा सा मैंने डाला है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा ज़्यादा करके यहाँ पर धनिया पत्ता। अब हम दोनों को अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो लीजिए फ्रेंड्स, सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी दही वाली पनीर की सब्ज़ी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने लगती है, आप इसे ज़रूर से बनाइएगा। अगर सावन में आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा चॉइस है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। या आप कभी नहीं खाते हैं लहसुन प्याज तो आप भी उसमें भी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाने लगती है। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पूड़ी के साथ या पराठे के साथ, सभी के साथ ये बहुत ज़्यादा मस्त खाने लगेगी। आप उंगलियाँ चाट चाट कर खाएंगे, तो एक बार ज़रूर से ट्राई करें। तब मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।